मेरा नाम मोहम्मद हारून, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं 8 साल से सीलमपुर में सिकंजी लगा रहा हूँ। महीने का औसत आ रहा है 15 से 20 हज़ार रुपये। और कितने गिलास बन जाते हुए इसमें? इसमें आपको गिलास हो जाएंगे 200 गिलास। 200 गिलास तो कितने रुपए गिलास बिकता है? ये 10 रुपए की गिलास है भाई साहब। 10 का भी है, 5 का भी है, जैसा आपका सेल के ऊपर है। और 200 गिलास टोटल मान के चलिए, 200 गिलास पूरे दिन में बिक जाता है जी। 100-150 गिलास, कभी 200 भी हो जाते हैं। 200 गिलास बिक जाते हैं कभी बाजार के दिन, कभी कभी ऐसा होता है कि 250-300 गिलास भी बिक जाते हैं। अच्छा, इसे बनाने में कितना टाइम लगता है? बनाने में आपको 2.5 घंटे टाइम लगता है। 2.5 घंटे का? 2.5 घंटे लगते हैं। 6 बजे आते हैं, समझिए कि 9:30 बजे तक में, 9:30, गर्मी जैसी रहेगी तो 10 भी बच जाते हैं बनाते बनाते। अच्छा, मतलब क्वांटिटी गर्मी के हिसाब से चेंज करते हैं? हाँ, गर्मी की, क्योंकि उस समय जो है ना बर्फ जो है ना थोड़ा ज़्यादा पिघलती है, हमारे मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी स्टेम लग रही है 1 सिल्ली, इस टाइम लगेगी 1.25 सिल्ली, कभी कभी ऐसा होता है कि 1.5 सिल्ली भी बर्फ लग जाती है। अच्छा, क्योंकि माल तो मुझे जमाना है ना। तो माल एक ही बार बनता है या दो बार ही बन जाता है? एक ही बार बनाएंगे ना, एक ही बार बनाओ, एक टंकी में एक ही बार बनाएंगे माल। अच्छा, माल पर बात होगी, माल बैल के माल कितना? हाँ, माल के ऊपर है। अब इसमें चीनी कितनी लगेगी? 1 टन की माल में 9.5 किलो चीनी लगेगी। 9.5 किलो चीनी लगेगी? 9.5 किलो चीनी लगेगी। पानी कौन सा यूज़ करते हो आप? पानी आपको सप्लाई का हो, कभी वाटर कूलर और फिल्टर का भी पानी आ जाता है। फिल्टर का पानी यूज़ करते हैं? फिल्टर का भी पानी लगा देते हैं। मिनिमम आपको बड़े 280 ml का गिलास जो है वो 3 पैकेट भी लग सकते हैं। अच्छा, छोटी वाली गिलास है अगर उसको यूज कीजिएगा तो भी 2 पैकेट लगेंगे बड़ी वाली। तो उसमें तो 10-15 पीस तो वैसे डैमेज ही, खराब ही निकल जाते हैं। हाँ, गिलास खराब निकल जाता है। 3000 रुपये नमक लग जाता है, और कम से कम 4 पैकेट नमक इसमें लगते हैं। 4 पैकेट नमक लगता है। ये देखिए किस तरीके से बन रही है शिकंजी, काफ़ी हार्ड वर्क है इसे बनाने में जी। बस सुबह सुबह का वर्किंग ज़्यादा है 2-2.5 घंटे का, बाकी तो दुकानदारी तो आप बच्चे को भी खड़े कर दीजिए, वो भी बेच लेंगे। ये देखिए, ये फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है जी। सरिया देना भाई, इसमें आपका चीनी और पानी है? पानी है, दो चीज़ें केवल जी। बाद नींबू में लगते लगते चाय पी लो।
ये कौन सा नमक है? ये काला नमक है, शिकंजी का मसाला होता है काला नमक। हेलो हेलो,